इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केरेडारी सीएचसी में बदहाल व्यवस्था की शिकायत पर विधायक अंबा प्रसाद पहुंची केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र, कर्मियों को लगाई फटकार। अनुपस्थित चिकित्सकों की हाजिरी देख स्तब्ध रह गई विधायक। जीएनएम की वजह से जिंदगी और मौत से जूझ रहा है बच्चा। वीडियो में देखें किस प्रकार अपनी दर्द बयां कर रहा है पीड़ित परिवार। देख लीजिए एक बार, मेरा पेशेंट दर्द से तड़प रहा है, उसको उन्होंने देखे भी नहीं, अपना हेलमेट लिए निकल गए चुपचाप। अब पूरा नया वाला से पुराना, मतलब 22 बार हम चेक कर रहे हैं। कितना तारीख था बता दो? 1 तारीख को 3 बजे नाइट में। 2 तारीख था? 2 तारीख का बोल रहे हैं। 2 तारीख कितना बज रहा था? 3 बजे। कोई नर्स नहीं थी? एक नर्स थी जो देखे, 3 बजे सिर्फ देखी थी। तो एक नर्स तुमको क्या नाम है? एक बार थी सिर्फ 3 बजे जिसमें हम लेकर आए थे, उसी समय तुमको क्या शिकायत है बाबू, क्या हुआ? उसमें हमको शिकायत है कि मेरा दर्द महिला तड़प रहे थे, उनको फिर देखने पड़े तो देखी नहीं, चुपचाप निकल गई। उसी समय मेरा बच्चा होने वाला था। वही नर्स जो तुमको देखी वही चली गई? क्या नाम है उस नर्स का? नाम हम नहीं जानते। रोशनी सुरेन, बुला लीजिए उनको, सामने बुलाइए, दूसरे पक्ष का भी सुन लेते हैं, बुलाइए उसको। लेकिन ये तो बहुत गलत है, ये तो विक्टिम है ना इसकी। तो उसके बाद निकल गई सीधा, उसके बाद नया वाला से पुराना वाला 10 बार पूरा दरवाजे सब गेट में खटखटाए हैं। जहाँ तक अभी डिलीवरी पुराने वाला मोहता है, उसको मैं भी पूरा केरल एक दो लड़का बुला के लाए थे, उसके बाद जोर से आवाज दिया तब एक निकले, उनको नाम नहीं जानते कौन सा थे, सो वो फिर लाए वहाँ पे, तब प्रभारी से निकले वहाँ से, तो फिर दूसरा एनएम को जिसको ड्यूटी नहीं थे, तो घर तक बात आने की 7 बजे लाए थे बुला के। 12 घर है यहाँ बदली करा, नहीं 7 बजे करा दिया ताकि फांसी ना लगे, जिसको ड्यूटी उस दिन में नहीं था, उसका चेंज नहीं था। उसके बाद एनएम में बोली कि थोड़ा देर में बच्चा आपका हो जाता, अगर पहले से अगर सलाइन वाले लगा होता तो अपना बच्चा 5 बजे तक हो जाता, पर सलाइन नहीं लगने के कारण से बच्चा का धड़कन से कम हो गया है, ऑक्सीजन भी नहीं लेने पा रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये बच्चा का अभी बच्चा उधरी हम भी है, कौन सा अस्पताल है? ये अगर ठीक रहे साथ में, सर जी उधरी मेरी, आप इतना कहां बाबू? बड़का में।